और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिल गई है। बड़ी खबर यह है कि हादसे से ठीक पहले दिल्ली सरकार के शिकायती पोर्टल पर राउज आईएएस कोचिंग सेंटर को लेकर शिकायत बकायदा भेजी गई थी और इस शिकायत में साफ साफ लिखा गया था कि बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना इजाजत क्लास संचालित हो रही है और जिससे लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। सरकारी पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद इसे संबंधित अधिकारी को भेजा गया था लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। अब पहले आपको शिकायत देने वाले शिकायतकर्ता का बयान दिखाते हैं, फिर इस खबर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। छब्बीस जून 2024 को बेसमेंट राइस की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजन नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग्स बेसमेंट में संचालित होते हैं। स्पेशली मैंने राव आईएएस के बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। इसका प्रति सरकार के पोर्टल को उपलब्ध है तथा इस प्रकार की आगे दुर्घटनाओं को रोका जा सके इसमें पूर्णतः जिम्मेदारी प्रशासन की है क्योंकि वो तथा एमसीडी कमिश्नर पूर्णतः जिम्मेदार हैं इसके लिए क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में बार बार ना हो। इस संबंध में सरकार को कोई उचित कदम उठाना चाहिए और ऐसे संचालकों पर ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कई माता पिता के बुढ़ापे का सहारा एवं कई बच्चों का जीवन छीन लिया और पता नहीं ऐसे कितने बेसमेंट संचालित होते हैं इस एरिए में, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है, कृपया करके इन पर संज्ञान लिया जाए। और किशोर कुशवाहा नाम के जिस शिकायतकर्ता ने दिल्ली सरकार के शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी उसमें उसने ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे राउज आईएएस कोचिंग क्लास का जिक्र किया था। ये वही शिकायत है जो पहले दर्ज करा दी गई थी जिसमें आप यहां पर देखेंगे कि कैसे नमस्कार में किशोर सिंह कुशवाहा निवासी करोल बाग तथा राउज आईएएस द्वारा बेसमेंट में परमिशन ना होते हुए भी बिना एनओसी के क्लासरूम संचालित कर रहे हैं जिसकी लोकेशन ओल्ड राजेंद्र नगर है। पूरा इसमें जिक्र किया गया था। करोल बाग नई दिल्ली एवं टेस्ट कक्षाएं संचालित कर रहे हैं जिससे विद्यार्थियों एवं स्टाफ के जीवन को खतरा बना हुआ है। सीधे सीधे अंदेशा इस बात का जाहिर किया गया था और कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, अतः इस संबंध में संबंधित संस्था को सूचित किया तो उन्होंने कहा कि इसका पैसा दिल्ली नगर निगम कमिश्नर को जाता था तथा इस प्रकार से एमसीडी में भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण दिखाई देता है। श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों का जीवन दाव पर लगाकर अवैध जगह पर कक्षा संचालित कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो तो आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। ये वही किशोर सिंह कुशवाहा जिसका बयान भी हमने आपको सुनाया, यानी कि शिकायत पहले ही कर दी गई थी। इस बात का अंदेशा पहले ही जाहिर कर दिया गया था कि कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि 3 छात्रों की जान यहाँ पर चली गई। अब किशोर कुशवाहा की शिकायत पोर्टल पर दर्ज हो गई और इस पर एक्शन की तारीख का जिक्र हुआ 18 जुलाई का, लेकिन 18 जुलाई के बाद किशोर कुशवाहा ने एक बार फिर से सरकार के पोर्टल पर रिमाइंडर भेजा 22 जुलाई को, यानी कि हादसे से ठीक 5 दिन पहले। लेकिन जैसा होता है सरकारी सिस्टम में बाकी शिकायतों के साथ इस शिकायत को भी अधिकारियों ने बहुत हल्के में ले लिया और नतीजा सबके सामने। ये देखिए वही रिमाइंडर है, इसी खबर को लेकर यानी कि इसी जो एक्शन लेने की बात की गई जिसमें उसने लिखा, सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट इशू, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इट, सर प्लीज टेक एक्शन, ये बार बार उसकी तरफ से लिखा गया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसका नतीजा सबके सामने है। अंडरग्राउंड कोचिंग सेंटर, पार्किंग की जगह बनी लाइब्रेरी और गले तक गटर में डूबे सिस्टम ने देश के 3 होनहार छात्रों को डुबो कर मार डाला। गटर में कैसे डूब गया दिल्ली का सिस्टम, ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये पीड़ा उन 3 छात्रों के लिए भी है जो कोचिंग सेंटर में बने मौत के तहखाने में मारे गए। ये गटर में डूब चुके उन सिस्टम के लिए भी है जिसने देश की राजधानी कहे जाने पर इतराने वाली दिल्ली के मुंह पर लापरवाही की कालिक मल दी। दिल्ली में मौत के कितने तहखाने,
तो कौन है जिम्मेदार तान्या, श्रेया और नवीन की मौत का? क्या सिर्फ कोचिंग संचालक, सिर्फ एमसीडी, सिर्फ पुलिस, सिर्फ प्रशासन, सिर्फ सरकार? क्या उन तीनों मौत की जिम्मेदार वो सोच नहीं जिसकी वजह से दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में ऐसे मौत के तहखाने खुले हुए हैं? कुछ दिन पहले दिल्ली के पटेल नगर में करंट से जान गंवाने वाला नीलेश राय खबर था और तान्या, श्रेया और नवीन दर्शक। और अब तान्या, श्रेया और नवीन खबर हैं और बाकी जीवित बचे लोग दर्शक। अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर, कितने कोचिंग सेंटर? इसीलिए सवाल है कि आज तान्या, श्रेया और नवीन के लिए जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके लिए जो कैंडल मार्च हो रहे हैं, इन तीन छात्रों के लिए जो गुस्सा है,